नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। ग्वालियर के डबरा चांदपुर गांव में एक दिन पहले एक गंग भोज में रायता बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना था। करीब 700 लोगों ने इस रायते को खाया था, पर जिस जिसने इस रायते को खाया अब उनकी जान हलक में अटक गई है। दरअसल जिस भैंस के दूध से दही बनकर कार्यक्रम में पहुंचा था, अचानक उस भैंस की मौत हो गई। कारण ये बताया जाता है कि उस भैंस को 2 दिन पहले ही एक पागल कुत्ते ने काटा था। अब करीब 500 से ज्यादा ग्रामीण सिविल अस्पताल डबरा पहुंचे और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने की होड़ में लाइन में लग गए। कई को इंजेक्शन लगा तो कई रह गए। इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर डॉक्टर्स ने एसडीएम को बुलाया। एसडीएम ने लोगों को समझाया और टीम भी बुलवाई। चांदपुर के हरि सिंह ने बताया कि चांदपुर गांव में एक गमी का आयोजन था, जिसमें दतिया जिले के पाली गांव में मंगाए गए मठे का रायता बनाया गया था। गमी के कार्यक्रम में करीब 700 लोगों ने रायता खाया था। उस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लोगों ने रायता मजे से खाया, लेकिन तभी सूचना मिली कि जिस भैंस के दूध से ये मठा और रायता बना उसकी मौत हो गई है। मामले की गंभीरता और ग्रामीणों में दहशत के माहौल के चलते डबरा एसडीएम प्रदीप शर्मा ने तत्काल ग्वालियर से टीम बुलवाई और डबरा से भी डॉक्टर लेकर चांदपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को समझाया कि दूध पीने या रायता खाने से रेबीज जैसी बीमारी नहीं फैलती है। आप लोग किसी भी प्रकार का मन में संशय पैदा न करें, न ही भयग्रस्त हों। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।